स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का भूगोल दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन MCQ इसका देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि टर्म वन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टर्म वन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में चूँकि MCQ भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, टर्म वन टर्म टू दोनों में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, कैसा आएगा वो सारे डिटेल आपको समझा चुके हैं पिछला वीडियो सब में। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ है तो नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन भी चेंज होगा। तो वैसे ही नए नए क्वेश्चन को देखते हैं, नए पैटर्न के अनुसार कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। चैप्टर पूरा एक बार समझा दिए हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा। चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर को समझे हुए रहिएगा तो क्वेश्चन को अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा फिरा दे तो भी आप उसका आंसर दे पाइएगा। और अगर कुछ चैप्टर नहीं समझे रहे, चैप्टर ना पढ़िएगा तो फिर क्वेश्चन खाली रट कर बेड़ा पार कभी नहीं किसी का हुआ है ना आपका हुआ। ठीक है, इसलिए चैप्टर एक बार ज़रूर से ज़रूर पूरा पढ़ लें, जो कि हम पढ़ा चुके एकदम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाए हैं। उसका नोट्स भी एप्लीकेशन में अब मिल जाएगा, एप्लीकेशन में आप सारा नोट्स धीरे धीरे मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो देख बोलो क्वेश्चन का कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण, ह्रास माने खत्म हो रहा है, कमी हो रहा है, उसका कारण नहीं है, कौन नहीं है वो बताना है। ठीक है, वनस्पति और प्राणी किससे नुकसान नहीं हो रहा है, कृषि प्रसार से हो रहा है, सही बात है, कृषि प्रसार से नुकसान हो रहा है, वनस्पति जात खत्म हो रहे हैं, जंगल सब कटाई हो रही है। वृहत स्तरीय विकास परियोजना, तो बड़े बड़े स्तर से जो विकास परियोजना आ रहा है उससे भी वनस्पति जात का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये भी तो सही है, हमको गलत छांटना है, गलत को है ना। तो पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, और अगला है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, तो चौथा तो है कारण है लेकिन तीसरा थोड़ा सा कम है ना, पशुचारण और ईंधन के लकड़ी एक करना वो बहुत बड़ा कारण नहीं है। अगला प्रश्न है सेकंड क्वेश्चन, देखिए फटाफट क्वेश्चन आ में, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, ये कौन कोला कावल, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका जो है वो समुदाय जो रहता है उसको सीधी भागीदारी नहीं है। तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, इस पर उन लोग वन्य जो समुदाय है उसका भागीदारी नहीं होता है, ये संरक्षण का एक ऐसा तरीका। ठीक है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन करना चौथा ऑप्शन रहेगा। वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है, तो उसको संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं, जिनके लुप्त होने की खतरा है संकटग्रस्त। लुप्त जाति का उदाहरण है एशियाई चीता, लुप्त हो चुका है। वन और बंजर भूमि को सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ऐसा वन या बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के है ना, सरकार व्यक्ति या समुदाय के स्वामित्व में हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत जमीन, वन है ना, अवर्गीकृत जंगल वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थाई वन पाए वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अस्थाई वन क्षेत्र है। स्थानिक जाति का उदाहरण है निकोबारी कबूतर, ये स्थानिक जाति का एक मतलब, ये स्थानिक जाति मतलब कोई फिक्स जगह में, कोई फिक्स एकदम स्पेशल टाइप के स्पेशल जगह में वहीं पे मिलेगा वो प्राणी, तो उसको बोलते हैं स्थानिक जाति, जो कि निकोबारी कबूतर है एक एग्जांपल। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 में लागू किया गया। सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये सुंदर वन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नतीजे सारे चीज़ों को चैप्टर पढ़ाए उस समय बताए हैं। ठीक है, बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बक्सर जो है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। निम्न में से कौन सी दुर्लभ जाति है, तो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल क्या है, दुर्लभ जाति है। निम्नलिखित में से कौन सी सुभेद्य जाति है, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सुभेद्य जाति है। ये सब क्या होता है, ये सब पूरा समझा दिया है ना, सुभेद्य सब क्या होता है, चैप्टर पढ़िएगा।
चैप्टर वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। भारत में वनस्पतियों की कितनी पुरानी जात पाई जाती है, तो 47,000 पुरानी जात पाई जाती है वनस्पति का भारत में। और अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो पेशनोई बिश्नोई जाति है ना, बिश्नोई जो है काले हिरण की रक्षा के लिए एकदम प्रसिद्ध है भारत में। ये गुजरात में ये लोग होते हैं ना, यही लोग सलमान खान तक को नहीं छोड़े, उनको भी केस करके उनको भी जेल पहुँचा दिए काले हिरण के ये में, है ना। तो काले हिरण को ये लोग रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। काला हिरण को कोई भी कुछ करे ये लोग फिर उसको नहीं छोड़ता है। हिमालयन यौ क्या है, तो यह एक औषधीय पौधा है ना, दवाई बनता है इससे। कौन सा दवाई, कैंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, अरे ये तो मोर है। मानस बाग रिजर्व किस राज्य, मानस जो है असम में है ना, असम में। अगला प्रश्न है, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है, तो 1952 में ये एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया है, मतलब ख़त्म हो गया। अभी चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य, तो वृक्षों की रक्षा करना है ना, वृक्षों की रक्षा करने के लिए जो चिपको आंदोलन किए थे, तो वृक्ष रक्षा से ये संबंध है। तो ये 21 बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न MCQ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लिखने वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी सभी चैप्टर का देखते चलेंगे, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा लिखने वाला वो शॉर्ट रहेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबरी और अढ़ाई नंबर वाला दो, बाकी सब एक नंबरी। तो वैसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोटा छोटा ही वीडियो दिखिए लेकिन पूरा समझिए, है ना। एक ही में पूरा कर देंगे तो फिर बोर हो जाइएगा, आपको लगेगा इतना क्वेश्चन कैसे करें, इसलिए इसमें सिर्फ MCQ, इसके बाद वाला में फिर लिखित वाला क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक के सेगमेंट में जाइएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा, किताब पहले क्लास टेन भूगोल लिखिएगा, तो वहाँ पे अपने आप आ जाएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन सभी का अपलोड कर देंगे, धीरे धीरे सब वहाँ पे मिलते जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।